हरियाणा की राजनीति में मंगलवार का दिन बड़े उलटफेर का दिन रहा। 9 साल से हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दे दिया और कई साल से गठबंधन में सरकार चला रहे बीजेपी और जेजेपी अलग हो गए। नए सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग गई। राजनीतिक उठापटक के बीच प्रदेश के वरिष्ठ नेता अनिल विज के नाराज होने की भी खबर है। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठक के बाद नाराज दिखाई दिए और बैठक को बीच में छोड़कर चले गए। नायब सैनी के साथ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी अनिल विज शामिल नहीं हुए। खट्टर के इस्तीफे के बाद जिन लोगों के सीएम बनने के कयास थे उनमें अनिल विज का भी नाम था, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान हुआ। वहीं नाराज अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे। उनके सीएम बनने के कयासों और नाराजगी को लोग जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अनिल विज ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण के बाद मनोहर लाल खट्टर ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनिल विज की नाराजगी पर जवाब दिया। खट्टर ने कहा कि अनिल विज 1990 से मेरे साथी हैं, वो पहले भी कई बार नाराज हो चुके हैं, वो जल्द परेशान हो जाते हैं, उन्हें हर बार मना लिया जाता है। अभी भी चिंता की कोई बात नहीं है, मैं उनसे मुलाकात करूंगा, केंद्रीय नेतृत्व भी उनसे बात करेगा, उन्हें जल्द मना लिया जाएगा। जहां तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो मेरा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है, जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था। उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे, वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं, तो ठीक है। अगर चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे, हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे, और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद अनिल विज का एक वीडियो भी वायरल हुआ। वो सड़क किनारे गोलगप्पे खाते दिखाई दिए। दरअसल बैठक के बाद ही अनिल विज चंडीगढ़ छोड़कर अपने गृह नगर अंबाला चले गए। इसी के बाद उनका वीडियो भी सामने आया। अनिल विज के बारे में बता दें कि उन्होंने साल 1990 में पहली बार उपचुनाव जीत कर विधायक बने थे। इसके बाद साल 1996 में और साल 2000 में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीता था। उन्हें दोनों बार निर्दलीय प्रत्याशी रहते हुए जीत मिली थी। इसके बाद साल 2005 में चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन साल 2009 में अंबाला कैंट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। साल 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव जीतकर खट्टर सरकार में गृह मंत्री रहे। इसके अलावा हरियाणा में इसके साथ ही स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान और आयुष मंत्री भी रहे हैं। अनिल विज कई बार अपने विवादित बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार अपनी नाराजगी के कारण चर्चा में हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लिखा है हमारे डेस्क के साथ ही अपूर्व श्रीवास्तव ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल के साथ।